आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। गिरफ्तारी को रद्द करने की मांग को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल द्वारा हाईकोर्ट में दायर याचिका खारिज कर दी गई है। कोर्ट ने सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी को जायज ठहराते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी। अब अरविंद केजरीवाल के पास सुप्रीम कोर्ट जाने का एकमात्र रास्ता बचा है। आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ईडी ने सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है। बीती 3 अप्रैल को सीएम केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, जिसमें कोर्ट ने सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी रद्द करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। ये केजरीवाल की बेल को लेकर याचिका नहीं थी। ऐसे में बताया जा रहा है कि अब अरविंद केजरीवाल इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जय भारत टीवी।